आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। मद्य निषेध मंत्री रत्नेश सदा ने शराब को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि एससी एसटी के लोग शराब के अवैध धंधे को लेकर बदनाम है। छोटी सी लालच में इस समाज से जुड़े लोग शराब के धंधे में शामिल हो जाते हैं और शराब के कारोबार में संलिप्त लोग इनका गलत इस्तेमाल करते हैं। साथ ही मंत्री ने अपने बयान में ये भी कहा कि बिहार में शराब की होम डिलीवरी हो रही है जिसमें दलित समुदाय के लोग शामिल हैं। दरअसल सीतामढ़ी के बखरी गांव में दलित बस्ती में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मंत्री रत्नेश सदा पहुंचे थे और वहीं उन्होंने ये बयान दिया है। के बावजूद भी बदनाम है, इसलिए बदनाम है, ये नासमझ है, ये शिक्षाहीन है और खास करके गरीबी के लालच में, गरीबी के कारण थोड़े थोड़े लालच में माफिया द्वारा शराब डिलीवरी करवाने का काम किया जाता है इस समाज के लोगों को। एससी एसटी समाज के जो भी लोग हैं, जो गरीब है, निसहाय है, लाचार है, बेबस है, उसको थोड़ी थोड़ी लालच में शराब माफिया देते हैं। आभार यात्रा पर निकले तेजस्वी यादव ने सरकार बनने पर 200 यूनिट बिजली मुफ्त देने का कार्ड खेल दिया है। अब तेजस्वी यादव के फ्री बिजली वाले बयान पर भी सियासत गर्मा गई है। आपको तो हम शुरू से कह रहे हैं ना कि मुफ्त में नहीं दिया जाएगा, अब बहुत कम पैसे में देते हैं हम लोग। तो 200 यूनिट फ्री पे बिहार के लोगों को बिजली हम लोग उपलब्ध कराएंगे। बिहार विधानसभा चुनाव में भले ही अभी 1.5 साल का समय बाकी है, नेताओं ने जनता को मुफ्त की रेवड़ी से रिझाना शुरू कर दिया है। तो 200 यूनिट फ्री पे बिहार के लोगों को बिजली हम लोग उपलब्ध कराएंगे। आभार यात्रा पर निकले तेजस्वी यादव ने दिल्ली की तरह बिहार में मुफ्त बिजली को सियासी हथियार बनाने की कोशिश की। तेजस्वी यादव ने आरजेडी की सरकार बनने पर 200 यूनिट बिजली फ्री देने का वादा किया है। तो अगर हम लोगों की सरकार बनेगी तो 200 यूनिट फ्री पे बिहार के लोगों को बिजली हम लोग उपलब्ध कराएंगे। तेजस्वी यादव की मुफ्त बिजली देने वाले बयान ने बिहार की राजनीति को गर्म कर दिया है। उनको जनता की समस्या से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उनको राजगद्दी चाहिए, कुर्सी चाहिए, और कुर्सी के लिए जो लोग व्याकुल है उनको बिहार की जनता भली भांति जानती। तेजस्वी यादव की मुफ्त बिजली वाले बयान पर चिराग पासवान की पार्टी के नेताओं ने पलटवार किया। एलजेपी आरवी के प्रवक्ता राजेश सिंह ने पूछा कि तेजस्वी यादव बताएं कि जब उनके पिताजी और माता जी की सरकार थी तब बिहार के लोगों को कितनी बिजली मिलती थी। आदरणीय तेजस्वी जी बताएं, इनके पिताजी आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और माता जी राबड़ी देवी जी के शासन काल में कितना बिजली खरीदे थे। बिजली फ्री देने तो दूर की बात है, गांव का गांव बिजली के लिए तरसता था। वहीं बीजेपी प्रवक्ता कुंतल कृष्णा का कहना है कि तेजस्वी यादव आज भले ही 200 यूनिट फ्री बिजली देने का लॉलीपॉप थमा रहे हों, केंद्र की मोदी सरकार ने पहले सूर्य घर बिजली योजना के जरिए पहले ही मुफ्त बिजली की व्यवस्था करा दी है। पीएम सूर्य घर योजना के तहत न सिर्फ आप 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त पाएंगे बल्कि ज्यादा बिजली होने पे आप इसे बाजार में बेचेंगे भी। मुफ्त 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 वाली राजनीति आजकल देश की राजनीतिक पार्टियों को खूब भा रही है। आम आदमी पार्टी ने मुफ्त बिजली मुफ्त पानी का लॉलीपॉप देकर दिल्ली और पंजाब में सरकार बना ली। कई ऐसे ही लोक लुभावन वादे कर कांग्रेस भी कर्नाटक और हिमाचल जैसे राज्यों में सत्ता में आ गई। लेकिन इन लोक लुभावन योजनाओं का असर अर्थव्यवस्था पर कितना बुरा पड़ता है, इसका ताजा उदाहरण हिमाचल प्रदेश की सरकार है। फिलहाल तेजस्वी ने मुफ्त बिजली का पांसा फेंक दिया है, आगे आगे देखिए क्या होता है। न्यूज 18 के लिए पटना से अमित कुमार, रवि एस नारायण और धर्मेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और इस बीच आपको पटना से बड़ी खबर बता दें, बीपीएससी 70वीं पीटी परीक्षा 15 से 18 सितंबर तक इसका विज्ञापन जारी होगा। अब तक बीपीएससी को 1100 रिक्तियां मिली हैं, कई और विभागों की 2 दिन में रिक्तियां मिल जाएंगी। एसडीएम डीएसपी से लेकर कई पदों पर बहाली होगी और फॉर्म भरने के लिए 21 दिन का समय भी अभ्यर्थियों को मिलेगा। अब 1500 से कम होंगी कुल रिक्तियां 17 नवंबर को बीपीएससी 10वीं पीटी। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त पटना से बता रहे हैं, जहां बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि जल्द ही बताया जा रहा है कि 15 से 18 सितंबर तक विज्ञापन जारी हो सकता है।
न्यूज 18 संवाददाता रजनीश कुमार अधिक जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। रजनीश, क्या अपडेट? देखिए, एसडीएम से लेकर डीएसपी और डीओ, आरडीओ, बीपीआरओ, आरओ समेत कई ऐसे पद हैं जिसकी जो है रिक्तियां आयोग को मिल चुकी है, यानी सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से कुल 1100 रिक्तियां जो है बीपीएससी को मिल गई है। और 15 सितंबर से लेकर 18 सितंबर के बीच कभी भी जो है बीपीएससी 70वीं कंबाइंड परीक्षा का विज्ञापन जारी हो सकता है। एक लक्ष्य को लेकर बीपीएससी चल रहा है, हालांकि आरक्षण जो नीति है उसकी वजह से देरी हुई है और सितंबर महीने में ही परीक्षा की बात थी, लेकिन कैलेंडर जो है वो अब पीछे हो गया है और 17 नवंबर को पीटी परीक्षा होगी। लेकिन जो अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं, जो वर्षों से तैयारी में जुटे हुए हैं, उनके लिए बड़ी खबर है कि इसी महीने विज्ञापन जारी होगा। कुल 21 दिनों का लगभग समय दिया जाएगा। और बता दें, सबसे अधिक जो पोस्ट है वो आपको बता दें कि लगभग 287 पोस्ट डीओ के लिए है। इसके साथ साथ एसडीएम के भी 200 पद हैं, डीएससी के 130 पद हैं और आरडीओ के सबसे अधिक पद हैं, 400 पदों पर जो है बहाली होगी। डीओ का 287 है, नगर विकास विभाग के लिए 49 रिक्तियां मिल गई आयोग को। एक बार और जो सामान्य प्रशासन विभाग है वो कई और विभागों की रिक्तियों को शामिल करके आयोग को भेजेगा और इसके बाद जो है आयोग विज्ञापन जारी करेगा, यानी 1 से 2 दिनों के भीतर बाकी जो रिक्तियां हैं, उम्मीद ये की जा रही है कि लगभग 1500 तक विज्ञापन जो है, जो रिक्तियां हैं वो शामिल करके विज्ञापन जारी किए जाएंगे। जी शिप्रा, ठीक है रजनीश, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए, शुक्रिया इस अपडेट के लिए। बढ़ते आगे, राहुल गांधी का अमेरिका दौरा और उनका बयान देश के सियासी गलियारों में बवाल मचा रहा है। कट्टरपंथी इलान उमर के साथ तस्वीर और आरक्षण पर दिए गए बयान के बाद राहुल गांधी पर एनडीए काफी ज्यादा हमलावर है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चुनाव को देखते हुए राहुल गांधी के बयान को अलग नजरिए से देखा जा रहा है। View it as a free election at all. I view it as a rather controlled election. नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद पहली बार विदेश यात्रा पर गए राहुल गांधी का बयान राजनीतिक माहौल गर्म किए हुए है। राहुल गांधी के बयानों में पीएम मोदी से लेकर आरएसएस और 2024 के लोकसभा चुनाव परिणाम से लेकर आरक्षण का मुद्दा शामिल है, जिसमें राहुल हर मोर्चे पर केवल सवाल ही सवाल करते हैं। अमेरिका में राहुल गांधी के साथ कट्टरपंथी इस्लामिक इलहान उमर की तस्वीर दिखी तो दूसरी तरफ जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में राहुल गांधी ने भारत में आरक्षण कब तक जारी रहेगा इस सवाल के जवाब में फंसते नजर आए। सुनिए राहुल ने क्या कहा। We're going to address that problem. I don't see it as a Mandal versus Kamandal issue. And what we're saying is different than the idea of only reservations. What we're saying is we want a comprehensive understanding first of what's going on, and then we're going to apply a series of policies to correct it, reservation being one of them. Right. We also said that we're going to, or somebody said, somebody misquoted me yesterday saying that I'm against reservations. I've been saying again and again and again, we're going to increase reservations beyond 50%, and I'm not against reservations. कट्टरपंथी के साथ राहुल गांधी की तस्वीर जैसे ही सामने आई, देश का सियासी माहौल गर्म हो गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट कर लिखा कि देश विरोधी ताकतों के साथ खड़े होना राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की आदत सी बन गई है। अमित शाह ने कांग्रेस को आरक्षण विरोधी भी बताया। बिहार सरकार में मंत्री मदन सहनी ने कहा कि राहुल गांधी लोकसभा चुनाव में आरक्षण बचाने की बात कह रहे थे और आज आरक्षण खत्म करने की बात कह रहे हैं। 3 महीना पहले इन्होंने प्रयोग किया और 3 महीना के बाद ये फिर दूसरा प्रयोग कर रहे हैं, और देश में नहीं हुआ तो विदेश में जाकर के बोले। उनको लगा कि विदेश से हमारी बात यहाँ आएगी कि नहीं आएगी पता नहीं, इनको तो जानकारी होगा कि कहीं भी बोलेंगे तो लोग जानेंगे। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तो राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करने की मांग की। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के खिलाफ बोलने पर एक सांसद की सदस्यता रद्द हुई थी, उसी तरह पीएम के खिलाफ बोलने पर राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होनी चाहिए। अब राहुल गांधी की सदस्यता को समाप्त कर देनी चाहिए तो इनकी सदस्यता भी उसी तरह रद्द होनी चाहिए जैसे इंदिरा जी के जमाने में हुआ थी। राहुल का विदेश दौरा पहले भी भारत के राजनीतिक गलियारे में बवाल मचाता रहा है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चुनाव नजदीक हैं। ऐसे में राहुल गांधी का अमेरिका दौरा और कट्टरपंथी से मुलाकात वाली तस्वीर कई सवाल खड़े कर रही है। न्यूज 18 के लिए आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
मंत्री लेसी सिंह ने खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की उपलब्धियों को गिनाया और लेसी सिंह ने कहा कि बिहार में गरीबों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। कुल 8,71,00,000 की आबादी को इस योजना का लाभ मिल रहा है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल के शुरुआती दौर से लेकर अब तक लगभग 65,61,000 नए राशन कार्ड बनाए गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के कुशल नेतृत्व में, कुशल मार्गदर्शन में गरीबों के लिए समर्पित रहने वाला विभाग है। गरीबों को गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न पहुंचाने के लिए विभाग संकल्पित है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लगभग 8,35,00,000 लाभुकों को गुणवत्तापूर्ण अनाज पहुंचाने का कार्य खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग कर रही है। इसके लिए 51,185 जन वितरण प्रणाली की दुकान कार्यरत है। पंचायत प्रतिनिधियों की नाराजगी के बाद पंचायती राज विभाग ने पंचायत प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की पहल की है और सभी पंचायत प्रतिनिधियों के साथ ACS ने बातचीत की। पंचायत प्रतिनिधियों की माने तो 29 सूत्री मांगों को लेकर सरकार से सभी नाराज हैं और केरल मॉडल लागू करने की मांग कर रहे हैं। इसी बीच पंचायती राज विभाग की तरफ से 3 दिवसीय कार्यशाला भी आयोजित किया गया है जिसमें देश भर के पंचायत प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। बिहार के मुखिया महासंघ और सरपंच संघ ने एकजुटता दिखाते हुए चेतावनी भी दी कि केरल मॉडल लागू नहीं होता है और 29 सूत्री मांगों पर विचार नहीं होता है तो 2 अक्टूबर के बाद सभी सामूहिक रूप से इस्तीफा देंगे। पंचायत प्रतिनिधियों से बात की है न्यूज 18 संवाददाता रजनीश कुमार। फिर से न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है और ACS पंचायती राज विभाग ने वार्ता की पहल की है, यानी राजधानी पटना में देश भर के पंचायत प्रतिनिधि जो है अभी सम्मेलन में पहुंचे हुए हैं। उनके साथ लगातार सरकार के अधिकारी हों, मंत्री हों, एक तरफ जहां बैठक कर रहे हैं वहीं दूसरी तरफ जो बिहार के पंचायत प्रतिनिधि हैं इन्होंने साफ तौर से नाराजगी जाहिर की थी और कहा था कि CM नीतीश कुमार जब बैठक में शामिल नहीं हुए हैं ऐसे में हमारी मांगे नहीं पूरी होगी। लेकिन इस बीच ACS ने वार्ता की पहल की है और अब केरल मॉडल पर बातचीत होगी, यानी इन लोगों के साथ एक तरह से बैठक होगी और इन लोगों से राय मांगी जाएगी। सरपंच संघ भी है, मुखिया महासंघ भी है, क्या लग रहा है किस प्रकार की बैठक होगी आज ACS के साथ? देखिए आज पहली बार पंच सरपंच संघ और मुखिया संघ से लेकर के सभी त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं से जुड़े प्रतिनिधि का यहाँ आज जुटान जैसे महाजुटान हुआ और इसके माध्यम से हम लोग आज राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया और कार्यशाला में जो 29 विषय संविधान से मिला हुआ है, जो प्रदत्त अधिकार है, उसका जिस प्रकार से हनन किया जा रहा है उसको रोकने के लिए इस कार्यशाला के माध्यम से अपनी जो आवाज है सरकार तक पहुंचाने के लिए और केरल मॉडल जो देश में सबसे अव्वल है केरल पंचायती राज व्यवस्था में, केरल मॉडल सरकार अपनाए। मेरा जो 11 सूत्री मांग है उसके लिए इन्होंने मेरा समर्थन किया है और हम दोनों भाई भाई हैं, एक साथ हैं, एक पंचायत से हैं और कहना मात्र एक बात है कि सामने विधानसभा चुनाव है, 2 अक्टूबर को पुनः हम लोग यात्रा शुरू करेंगे। आज हम लोग कार्यशाला में सर्वसम्मत निर्णय लिए हैं जो केरल मॉडल के आधार पर सभी 29 विषय जो संविधान से हमको प्राप्त है वह बिहार में भी लागू हो। अगर लागू नहीं होता है 2 अक्टूबर तक सरकार घोषणा नहीं करती है तो 2 अक्टूबर के बाद हम लोग पुनः बैठ के और न केवल मुखिया सरपंच, जिला पार्षद, पंचायत समिति, वार्ड मेंबर, पंचायती राज के सभी जनप्रतिनिधियों को एकत्रित करके और 2 अक्टूबर के बाद गांधी मैदान पूरे पटना को भरने का काम करेंगे। से झारखंड के लोगों से, यूपी के लोगों से, मध्य प्रदेश के लोगों से समीक्षात्मक बात की, वहां हम लोगों ने यही पाया कि पूरे भारत के अंदर पंचायती राज की भ्रूण हत्या सबसे ज्यादा बिहार में हुआ है, ये बात कहने की हमारी है और ये हमारे अध्यक्ष जी के साथ मैं राजेश कुमार सुपौल। बिल्कुल, तो ये तमाम जो देख सकते हैं कि मुखिया हैं या फिर सरपंच संघ के अध्यक्ष भी हैं, सरपंच के तमाम प्रतिनिधि हैं, निश्चित रूप से ये लोग अब मांग कर रहे हैं कि जो केरल मॉडल है वो सबसे बेहतरीन मॉडल है और इसी की मांग हम लोग कर रहे हैं। जाहिर है आज वार्ता की पहल तो की गई है सरकार की तरफ से, लेकिन अगर केरल मॉडल लागू नहीं होता है तो 2 अक्टूबर के बाद ये लोग गांधी मैदान में गोलबंद होकर सामूहिक रूप से इस्तीफा देंगे और इसके साथ साथ बिहार सरकार को आईना दिखाने का भी काम करेंगे। अब
कैमरामैन अजय दुबे के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। बढ़ते आगे, दरभंगा एयरपोर्ट पर विमानों के अक्सर रद्द होने और लेट लतीफी से यात्री अब तंग आ गए हैं। मुंबई, दिल्ली समेत अन्य शहरों के लिए दरभंगा से यात्रा करने वाले यात्री अब पटना एयरपोर्ट की ओर रुख करने लगे हैं, जिसकी वजह से दरभंगा एयरपोर्ट पर यात्रियों की संख्या लगातार घटती जा रही है। बता दें कि रविवार को दरभंगा से मुंबई की उड़ान रद्द किए जाने से यात्रियों ने एयरपोर्ट पर हंगामा कर दिया था। दरभंगा एयरपोर्ट पर मुंबई से आए यात्री काफी नाखुश दिखे थे। उन्होंने स्पाइस जेट की विमान वालों की मनमानी को लेकर सरकार से कार्रवाई करने की मांग की है। एयरपोर्ट से और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता विपिन कुमार। दरभंगा एयरपोर्ट से लगातार विमान की जो आवाजाही है वो काफ़ी लेट हो रही है। अभी से नहीं, कई दिनों से लगातार जो विमान दरभंगा एयरपोर्ट पर आ रहे हैं या जा रहे हैं, लगभग 3 से 4 घंटे की देरी से जा आ रहे हैं। आज भी जो है दिल्ली की जो उड़ान है वो कम से 45 मिनट लेट पहुंची है, तो वहीं मुंबई से आने वाले जो विमान है वो 4 घंटा लेट से दरभंगा एयरपोर्ट पर पहुंची है, जिससे यात्रियों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। यहां तक कि उड़ान भरने के लिए मुंबई में यात्रियों को हंगामा करना पड़ा। बताया गया कि दुबई से जो विमान आएगी वो विमान दरभंगा जाएगी, जिसको लेके वहां यात्रियों ने जमकर हंगामा किया। हंगामा करने के बाद जाकर जो है कहीं विमान उपलब्ध कराया गया, तो ऐसे में अभी जो मुंबई से विमान आई है लगभग 4 घंटे की देरी से आई है। ये आज नहीं, मंगलवार की बात कहें तो दिल्ली जाने वाले विमान जो है कैंसिल कर दिया गया था। तो ऐसे में लगातार दरभंगा एयरपोर्ट पर जो आवाजाही हो रही है विमानों को, खासकर स्पाइस जेट की तरफ से, स्पाइस जेट के जितने भी विमान हैं काफ़ी लेट दरभंगा पहुँच रहे हैं, जिससे यात्री या तो यहाँ से मुख मोड़ रहे हैं, दूसरे एयरपोर्ट जाकर यात्रा कर रहे हैं या यहाँ आना नहीं चाह रहे हैं। तो जिस तरह से जो बिहार का सबसे नंबर 1 एयरपोर्ट बन रहा था दरभंगा एयरपोर्ट, कहीं ना कहीं इसमें धक्का लग रहा है। विपिन कुमार, न्यूज 18 दरभंगा। स्पाइस जेट का जो है ना हमेशा के नाटक चल रहा है अभी तक, ये नहीं देख रहे कि पब्लिक को क्या मतलब, पब्लिक जो भी आते हैं अपने सुविधा के अनुसार आते हैं, पैसा तो जो लगता है वो लगता ही है, लेकिन जिस हिसाब से मतलब पब्लिक को सेवा होना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। हम लोग वहाँ पर बहुत सारी तकलीफें हुई। वो फ्लाइट जो है ना आपको वहाँ गई थी दुबई, दुबई से जब आई थी यहाँ पे, इसी वजह से जो है ना फ्लाइट लेट हुई। परेशानी हुई, परेशानी बहुत है, बहुत हुई है। और स्पाइस जेट का जो है ना, कल भी मैं परसों में गया था यहाँ से दरभंगा से दिल्ली, वो भी डिले था। फिर कल रात को दिल्ली से मैं गया था मुंबई, वो भी डिले था। और आज सुबह मैं आया हूँ तो मैं रात में 12 बजे पहुँचा था मुंबई एयरपोर्ट पर, और अभी के लिए 12 बजे खुली है यहाँ से मुंबई से यहाँ के। मुजफ्फरपुर के पताही हवाई अड्डा के विस्तारीकरण को लेकर भूमि अधिग्रहण का काम शुरू हो गया है, लेकिन वहां के लोग इसके विरोध में आ गए। इतना ही नहीं, हवाई अड्डा के आसपास उनका घर और जमीन है, वे सभी समरनाले में धरना पर बैठ गए और सामूहिक आत्मदाह की चेतावनी दी। आपको बता दें समरनाले परिसर में सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। ग्रामीणों का कहना है कि पताही हवाई अड्डा के विस्तारीकरण को लेकर 475 एकड़ जमीन को अधिग्रहण करने की प्रक्रिया चल रही है, जबकि वहां अब खाली जमीन नहीं है, लोगों का घर है, दुकानें हैं, कई बिल्डिंग बन चुके हैं, ऐसे में उसे तोड़कर जमीन अधिग्रहण करना ठीक नहीं है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।